एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? चीनी बोल तो ना हूँ। शाम के 5 बज गए हैं और मैं और कियान दोनों सो गए थे, उठने के तुरंत बाद हम निकल पड़े कहीं जाने के लिए, क्योंकि ये जो जगह पे जा रहे हैं अब मेरे को लग रहा है कि 100% बंद मिलेगी मेरे को। जब भी हम निकलते हैं ना रास्ते में, डाइनो देखने जाना है ना, इसलिए कि इतना एक्साइटमेंट दिखा रहा है। सीट बेल्ट डाल लो रिंकल। हाँ, मैं हाईवे आते ही डाल देती हूँ। और क्या बोल रही थी कि जब भी हम वहाँ से निकलते हैं ना, तो हमें डायनासोर लिखा हुआ दिखता है, पर अंदर क्या है पता नहीं। नहीं, वहाँ पे अभी तो बड़ा बोर्ड भी आ गया, डायनासोर पार्क का बोर्ड आ गया है, पर गूगल पे नहीं दिखा रहा है अभी। गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे। दिखने मतलब गूगल पे नहीं दिखा रहा है, पता नहीं अंदर क्या होगा। तो चोखा पंजाब के पास में ही है शायद, वो बंद होगा तो हम चोखा पंजाब में चले जाएंगे। वहाँ क्या करना है? अंदर वैसे गांव पंजाब का ही सब कुछ है वहाँ पे, तो ट्रैक्टर वगैरह। खाना घर पे खाएंगे, खाना भी पंजाबी है वहाँ पे, तो खाना घर पे ही खाएंगे। पर मैं नहीं खाऊंगी घर पे। क्यों? मैं कुछ खाती आऊंगी, आप दोनों को घर पे बना दूंगी। खोला है थोड़ी दिखो, क्योंकि मुझे ना ज्यादा खाना भी नहीं है, तो मैं शायद एक प्लेट पानी पूरी खा लूंगी। यस बेबी, जैकेट नहीं निकालना है बेटू। जैकेट में निकालो, बहुत तो नहीं है बाहर। लेकिन उसको यही होता है, उसको जैकेट नहीं पहनना होता। देखो देखो, तनी है, देखो देखो। काम में था और मैं वीडियो में आता भी नहीं था कि मैं बोलूं। आता था क्या रिंकल? नहीं, बहुत कम, रेयर होता था। सुबह जल्दी चले जाते थे और शाम को लेट आते थे। और अभी तो ये सब गलत फहमी है, मतलब वैसे भी है ना, वो जो शर्म है ना वो उसमें है ही। घर पे मतलब कोई भी होता है तो वो वीडियो नहीं बनाते, और वीडियो में बोलने में भी उनको अभी भी शर्म आती है। वो सही बात है, मतलब घर पे कोई होता है तब आती है, वो वीडियो में बहुत कम आते हैं। और अकेले होता है ना तब उसका अलग होता है, उसको शर्म आई जाती है सबके सामने, वो वैसे वीडियो नहीं बना पाते। चलो किया, डाइवर्ट करते तो गए हम यहाँ पे। पर बात ये है कि अगर चोखा पंजाब की टिकट ली हमने 575 रुपये की, जिसमें डिनर भी इंक्लूडेड होगा और अंदर एक्टिविटीज़ भी होगी, और साथ में डायनासोर पार्क की अलग से 30 रुपये टिकट होगी, और सिर्फ डायनासोर पार्क में नहीं जाने को मिलेगा। खाना तो है ही नहीं अंदर एक्टिविटीज़ में, वो ट्रैक्टर में बिठाएंगे, गाड़े में बिठाएंगे, वो सब कुछ अभी हमें करना नहीं है, क्योंकि वो सब ग्रुप में आएंगे तो ही अच्छा लगेगा, और सिर्फ डायनासोर पार्क में जाना नहीं है, तो अवॉइड ही कर रहे हैं हम अभी। तो क्या को कुछ भी करके मना लेंगे। ये पूरा हाईवे बढ़ रहा है। कौन कौन लोग चोखा पंजाब में आए हुए हैं कमेंट करना, जयपुर वाले। चलो अभी कहाँ जाना है पता नहीं। चिराग कहाँ जाना है? वही सोच रहे हैं। ये पता है तूने वैसे पूरा क्या सीन है? हाँ, वो हो गया है। तो जाना है और किधर, घर जाएंगे? चलो पानी पूरी खाना है तेरे को? हाँ, तो पानी पूरी खा लेना। तू तो भाई हम लोग आ गए हैं गार्डन में। देखो वहाँ पे चिराग और कियान बैठे हैं, शायद दिखे ना दिखे पता नहीं। गर्मी चढ़ गई। मैं और कियान कितना भाग के आए हैं ना, कियान कितना भाग के आए हम। मारो तो यहाँ वैसे जा, आज स्विंग पर तो वैसे जा। चल डैडी बनने ने स्विंग करा उसे। ओके ओके, ना खोलवा नहीं, नो मामा भी पहरे अच्छे जो। क्या जाए छे? ज्ञान, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच गया है सुबह के 8:30 और मेरा यहाँ पे टिफिन भी हो गया है रेडी। कियान के टिफिन में आज जा रहा है लच्छा पराठा, मटर बन की सब्जी और क्यूकुम्बर, क्योंकि कियान को है ना मेरी तरह सलाद चाहिए ही चाहिए। तो आज मैंने पूछा कियान को कि कियान चाहिए? हाँ मम्मा, कुकुम्बर रख देना। तो वैसे आप लोग बोलोगे कि रेसिपी दो, सुबह सुबह रेसिपी नहीं हो पाती है,
क्योंकि है ना लेट ही इतना हो जाता है, जितना भी आप जल्दी करो लेट हो ही जाता है। तो सुबह सुबह हाँ बेटू क्या खुला खुला कर दो हाँ ला बस इतना पूरा खोल दो। तो चिराग हो रहे हैं रेडी। चिराग गुड मॉर्निंग। चलो अभी आपकी अन को छोड़ के आओ और उसके बाद मुझे कुछ आज शुरू करना है, कुछ नया कर रही हूँ, आने के बाद बता रही हूँ। मैं पहले कियान को छोड़ के आते हैं स्कूल पे, फिर घर बिखरा पड़ा हुआ होता है ना वो सब कुछ बाद में होता है, पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना है, पतिदेव को ऑफिस छोड़ना है, बाद में सब कुछ होता है। चलो तो भाई फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कियान और चिराग दोनों को अपने अपने जगह पे मैं भेज के फिर मैं मेरा काम चालू करती हूँ। तो ठंडी जैसे कि शुरू हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ही है, सौराष्ट्र में इतनी ज्यादा अभी नहीं पड़ रही है पर ठंड तो शुरू हो ही गई है। और जैसे ही ठंड शुरू होती है वैसे ज्यादातर हम गुजरातियों को है ना पापड़ तो चाहिए, मतलब ठंडी जैसे ही शुरू होती है पापड़ याद आ जाते हैं। और मैंने सुना है तब तक राजस्थानी लोग यहाँ पे जो है होते हैं ना वो लोग भी बहुत ज्यादा पापड़ बनाते हैं। तो अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है पर कहीं पे भी अगर जाऊंगी तो सबको पूछूंगी कि क्या वैसे यहाँ पे पापड़ का ज्यादा होता है। हम पहले रहते थे ना वहां पे एक आंटी थे, वो उनका बेटा और वो सब लोग पापड़ का करते थे, तो वो लोग वो उड़द के पापड़ मूंग के पापड़ वो सब बेचते थे। तो पता नहीं है हम जो गेहूं के पापड़ बनाते हैं वो लोग वो ये लोग बनाते होंगे कि नहीं वो नहीं पता है, पर अब वो मैं जरूर जानकारी लेके रहूंगी। अगर मैंने वीडियोस देखा है कि गाँव में यहाँ के लोग बनाते हैं पर देखा वैसे नजर के सामने नहीं देखा है, पर हमारे गुजराती लोग तो बहुत बनाते हैं, घर घर में पापड़ बनते हैं। वैसे हम चलाला में सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है ना, तो चलाला में जब मैं रहती थी ना तब जैसे ठंड शुरू हुई मम्मी थी तब, तो पूरे सियाड़े में हम कितनी बार पापड़ बना लेते थे हमें याद भी नहीं है। पूरा बड़ा वाला बॉक्स भर के रख देते थे, फिर भी वो 10 दिन ही चलता था क्योंकि एक टाइम पे 3 टाइम खाना खाते है ना, एक टाइम पे सबको 5-5 पापड़ चाहिए, और वो भी हम है ना वो कोलसा में सेकते थे, और उसका जो टेस्ट आता है लाजवाब। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे है और उसको गांव के पापड़ की याद आ गई। जैसे वो पापड़ मैं यहाँ पे भी लाती हूँ ना तो वो टेस्ट नहीं आता, पता नहीं क्यों। पर आज कुछ नया करने जा रही हूँ, पहली बार मैं पापड़ बनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। वैसे मेरे पास है ना पापड़ खार है नहीं, तो मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ खावाना सोडा। तो फटाफट से पापड़ बनाते हैं। वैसे पापड़ बनाते देखा बहुत है, मम्मी को खींची बनाते बहुत देखा है, मुझे बनाते पहली बार आप देखोगे। आपने तो वैसे मेरी मम्मी को बनाते हुए नहीं देखा है पर हमने बहुत देखा है। और हम है ना सुबह सुबह सब कुछ काम करके बैठ जाते थे, 9 बजे तो बैठ ही जाते थे और 10-11 बजे दो साड़ी जो साड़ी की साइज होती है ना वो पूरी 2 साड़ी भर के पापड़ बेल लेते थे। तो बहुत मजा आता था, सबके घर पे बेलने भी जाते थे, मतलब वो लोग हमारे घर पे आ गए हम वहां चले गए, वैसा भी होता था। चलो बहुत बातें नहीं करते हैं और फटाफट शुरू करते हैं। तो जितना आटा होता है ना उससे 1.5 गुना पानी लेना है। तो पहले तो मैं पानी भर के डाल देती हूँ इसमें। तो ये गई 1 और 1/2 डालेंगे, तो ये 1.5 तवेली पानी मैंने डाला है, उसमें 1 ये भर के आटा डालेंगे। गैस को करेंगे ऑन और इसको है ना पानी को पहले उबालना है, बाद में आटा ऐड होगा। अभी आटा को कर देती हूँ मैं बंद। गेहूं का जो हम नॉर्मल आटा रोटी वाला होता है ना वो ही हम लेंगे। वैसे चावल का भी बनता है, चावल का खीचू जो खाते हो, और ये खीचू खाने में भी बहुत बेस्ट है। इसमें ये बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में मेरी खांसी। इसमें है ना खीचू बनने के बाद उसमें सिंग तेल और लाल मिर्च पाउडर और हींग वो डाल के खाओगे लाल चबा। ये ढोकला भी निकाल लेती हूँ क्योंकि ये भी चाहिए होगा स्टीम करने के लिए, और इसका ढक्कन मैं यूज कर लेती हूँ। ढकेंगे ना तो जल्दी ही पानी गर्म होगा। इसमें और कुछ हमें लेना नहीं है, ये खावा सोडा और यहाँ पे कुटी हुई मैंने ग्रीन मिर्च ली है, और साथ में जाएगा जीरा, ये साबुत जीरा वो डलेगा। ये जीरा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और नमक, बस वही है। घर में जो सारी चीजें पड़ी रहती है
से ही बन जाता है। अगर आपको पापड़ नहीं बनाना है ना, आप सिर्फ खीचू बना के खाओ इसका, बहुत यम्मी लगेगा। चलो भाई ये खोल देते हैं, पानी उबल गया है और उसमें डाल देते हैं ये मिर्ची और जीरा। इसको वापस कर देती हूँ मैं फास्ट। जीरा इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे आप है ना कूट के डालना चाहो तो कूट के, ऐसे डालना चाहो तो ऐसे, आपके ऊपर है आपको कैसे डालना है। ये था कि बीच में काम वाले दीदी आ गए ना, तो फिर मुझे ये इसको बंद करना पड़ा था। और अभी सुबह पोंछ देंगे पानी वाली तपेली है ना, इससे हम आटा बना के डालेंगे। नमक भी डाल देते हैं साथ साथ में स्वाद के अनुसार। नमक बहुत ज़्यादा मत डालना क्योंकि पापड़ में है ना, फिर वो सेकने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही मीठा लग जाता है, तो हम थोड़ा कम रखेंगे, वैसे नमक डालेंगे। फिर टेस्ट करने के, पानी टेस्ट कर सकते हो आप उसी हिसाब से, फिर आप ज़्यादा और कम कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी इसमें है ना खाने का सोडा डालना है थोड़ी देर के बाद, बस ये मिर्ची उबल जाए उसके बाद ही, बाद में हम आटा डाल देंगे। और एक बात बताओ, आपको एक दिखाती हूँ, नहीं चलो मैं बनने के टाइम पे ही दिखा दूंगी। तो इसमें है ना तब तक पानी भर के रख दूंगी, स्टीम करना है ना हमें, तो ये गैस भी चालू कर देंगे साथ साथ में कि इसका पानी गर्म हो जाए। इसको हम बेलन की मदद से मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि चिपके नहीं। ओके चलो मैं पानी थोड़ा टेस्ट करूँ। नमक देखो ग्रीन ग्रीन पानी हो गया, एकदम ग्रीन ग्रीन, थोड़ा डाल देती हूँ हल्का सा आटा आएगा ना। अभी डाल देते हैं पानी का सोडा, तो लगभग ये आधा, देखो पानी आया ऊपर एकदम, ऐसे ही सोडा डालोगे ना ऐसे ऊपर आ जाएगा। भाप लग गई, भाप भाप। अभी गैस की फ्लेम करेंगे स्लो और आटा डालेंगे धीरे धीरे, आटा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। चालू ही है ना, कई बार मैं मुझे है ना ऐसा होता है कि सब कुछ प्रोसेस हो गई और कैमरा तो बंद होता। देखो ये परफेक्ट माप होता है इसमें है ना। अभी मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी। अब वैसे उबलते पानी में भी ऑयल डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, पानी में डालो तो भी अच्छा है, ऐसे डालो तो भी अच्छा है। एकदम मिक्स हो गया, अभी परफेक्ट माप है कि आप एक तपेली ले रहे हो तो उसके डेढ़ गुना जितना पानी लेना है। तपेली इसको कर दूंगी मैं बंद। हो गया अभी क्या करेंगे कि इसमें है ना बैठ जाएगा, इसको बाफना जरूरी है। देखो हाथ में भी नहीं चिपक रहा है,
इसको हम प्लेट में डाल के इसमें स्टीम करेंगे। वैसे तो ये अच्छा हो गया है, ऐसी प्लेट ले लेंगे। देखो इसका पानी में उबल गया ना, तो अब क्या करेंगे इसको रख देंगे और उसमें हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। और ये जो है ना वो सारा उसके अंदर डाल देंगे। ताकि है ना आप वैसे ऐसे करके लू अप करके भी इसमें रख सकते हो, मैं डायरेक्ट ऐसे ही रख रही हूँ, ये तो स्टीम हो जाएगा। ये इसमें हमने डाल दिया है ऐसे, और अभी इसका ढक्कन बंद कर देंगे, इसको सीख होने देंगे। और इसमें तो हल्का सा ही चिपका है, वरना है ना होता ही है कि उसमें ही आप ढक्कन लगा के थोड़ा पकने दोगे तो ज़्यादा बैठ जाएगा, उससे अच्छा स्टीम करोगे ना बहुत ही अच्छे पापड़ बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे बने हैं, जो मुझे टेस्ट चाहिए था वही टेस्ट आया है। चलो ये सब कुछ वाइंड अप कर लेती हूँ, और ये जब तक हो रहा है ना तब तक हम पापड़ कहाँ बनाने हैं और वो सब कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। चलो आओ मेरे साथ। तो यहाँ पे ही सुखा देंगे, और पहले तो मैं है ना ये दुपट्टा लगा देती हूँ इधर। इसको वैसे हम है ना छांव में ही करेंगे, अगर धूप में करोगे तो फट जाएंगे, हल्का सा ये यहाँ हो जाएगा ना, बाद में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे धूप में, या इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये है ना फिर रास्ते में ना आए। और उसके लिए मैंने ये देखो यहाँ पे ऐसे कागज रेडी किए हैं, तो ये राउंड शेप के आप प्लास्टिक ले सकते हो, बड़े मतलब ये मोटे होने चाहिए थोड़े, तो ये मोटे कागज है, बेलने में अच्छा रहेगा। और ये थोड़ा सा तेल ले लेंगे, अभी नजदीक से दिखाती हूँ आपको पहले कि बेलना कैसे है। तो चलो फटाफट से पापड़ बेलते हैं। पहले तो जो गर्मा गर्म धुआं खींचू निकला है ना उसको पहले ऑयल की मदद से इसमें है ना और लगाएंगे। बहुत ज्यादा ही गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ये आटे को है ना थोड़ा हम ऐसे ऐसे थोड़ा लेंगे, फिर ऐसे मसल के उसके लिए बनाएंगे। थोड़ा हल्का सा मैं ठंडा होने देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ही गर्म लग रहा है। मेरी मम्मी थी ना उसको गर्म नहीं लगता था, पता नहीं कितना भी गर्म होता था ना, वैसे आपकी मम्मी भी होगी, सबकी मम्मी आपको ऐसे ही होता है, हाथ है ना वो होते हो गए होते। देखो थोड़ा मसला तो लुआ कैसे बना, तो वैसे ही लुआ बना देना है। और अभी ये कागज़ पे भी ऑयल लगाएंगे और अभी दोनों को ऐसे करके बेल लेंगे। तो सारे पापड़ ऐसे ही बेल रहे हैं। पहले मैंने जो बोला ना अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ वो, कि थोड़ा सा आटा बाहर लेके फिर उसको मसल के फिर बाहर ले लेना है सारा, फिर ठंडा हो जाएगा ना तो पापड़ नहीं अच्छे हो पाएंगे।
पतले पतले बेलेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे बहुत मोटे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो पतले ही अच्छे लगते हैं। देखो कितना अच्छा बेल के आ गया, वैसे टाइम लग रहा है मुझे क्योंकि बहुत दिनों के बहुत सालों के बाद कर रही हूँ मैं ये। इसको ढक देते हैं, देखो ये हो गया पापड़ हमारा रेडी। तो ऐसे ही सारे पापड़ बेलने हैं, दिख रहा है आपको। और इसको अभी क्या करना है पता है, इसको ऐसे डालना है और ये ऐसे उखड़ जाएगा, हो गया ना एकदम ही मस्त बढ़िया वाला पापड़। देख लो देखो जो भी करना है करो, बैठो हमारे पास बैठो, अगर नहीं करना है तो सिर्फ बैठो पर यहाँ पे रहो। तो वो सारी चीजें हमें अभी काम आ रही है, तो अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज आप सीख लीजिए, कभी ना कभी सारी चीजें काम आ ही जाती है। आपको ऐसा होगा कि हमें कहाँ घर जाके काम करना है, जॉब करना है, तो ऐसा सोच के कभी नहीं चलना है, कभी भी कुछ भी काम करना पड़ता है, पड़ सकता है, तो ऐसा चल के नहीं मतलब चलना चाहिए ऐसा सोच के कि हमें कुछ करना ही नहीं है घर पे। तो ये बात तो वही है कि वो तो एक घंटे में तो पूरी दो साड़ियाँ उसने बेल दी थी, उतनी उसके पास मतलब स्पीड थी। मैं तो चलो बहुत धीरे धीरे बेल रही हूँ कर रही हूँ, पर वो तो इतना अच्छा काम कर रही थी कि बात ही मत पूछो। तो यही है कि बच्चियों को संस्कार दे अच्छे अच्छे, और एक बात वो भी है कि अभी शादियां चल रही है तो आप है ना आपकी बहू में संस्कार देखे, क्या सीख के आई है वो देखे, ये ना देखे कि क्या लाई है क्या नहीं लाई है। बहुत लोग देखते हैं और सुनाते भी हैं, तो जो सुन रहे हैं वो तो सुनेंगे ही, पर अभी जो नई नई शादियां हो रही है, शादी की सीजन चल रही है, लोग देखने जाते होंगे कि ये क्या लाई है वो क्या लाई है, ये सब बंद कर दो। क्योंकि जो चीजें आती है लेके आती है वो कितने दिन रहेगी, और जो लड़की आती है वो तो आपके साथ जीवन भर रहने वाली है, तो ये सब बंद करो। और अभी जो नई नई जनरेशन है शादियां कर रही है, पहले का हो गया वो सुनते आ रही है, वो तो सुनेगी, पर अभी जो ऐसा हो रहा है वो आप सब लोग बंद करें, क्योंकि बहुत लोग आप मुझे देख रहे हो। अगर मेरे पास से कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो बस यही सीखो कि आप ये सारी चीजें बंद करो, कि क्या लाओगी क्या लेके आई हो, किसी को भी पूछना नहीं है। क्यों पूछना है भाई, किसी ने अपनी बेटी आपको दे दी है तो ऐसा क्यों पूछना है कि क्या लेके आई हो। अगर कोई भी आपको पूछे ना कि आप क्या लेके आई हो मायके से, वो ही बोल देना कि मैं इतनी बड़ी मैं ही तो आ गई हूँ और क्या चाहिए आपको। तो बस ये सारी चीजें बंद करना मैं समझती हूँ कि आप लोग भी समझते हो कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं, चलो बहुत बहुत ज्ञान हो गया। अभी मेरे पापड़ भी बेल गए हैं, तो ये सारे पापड़ हो गए हैं रेडी। तो गिन चुन के एक तपेली बनाई थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
तो वैसे हिंदी के बाद गुजराती आ ही जाते हैं, 26 पापड़ हुए। तो एक तपेली आप बनाओगे तो इतने पापड़ हो गए। तो ये है ना, कल मैं आपको फ्राई नहीं पर सेक के दिखाऊंगी, फ्राई करके मैं नहीं खाती हूँ। ये सेक ही खाने के बाद मतलब अच्छा लगता है। तो ये जो भी चकबचा पूजा हुआ होता है वो मैं खा रही हूँ। अभी क्या करूँगी, पंखा चलाऊंगी और एक साइड घुमा दूंगी, बाद में धूप में सुखा देंगे तो क्या फटेंगे नहीं। डायरेक्ट आप धूप में करोगे ना तो फट जाएंगे पापड़। ये जो लास्ट का बचा हुआ खाने में मजा है, माय गॉड इतना अच्छा लगता है। आप लोग है ना, पापड़ बनने के बाद ये जो होता है इसको वॉश करके रख दो, अब मतलब अगले साल काम आ जाएगा। ये ठीक वाला लोगे बहुत पापड़ अच्छे बेलेंगे। कोई लोग तो ऐसे इस पे ही बेल के फिर इसमें लेके सुखा देते हैं, पर वो है ना वो स्टील वाली पार्टी होती है, ये तो लकड़ी की इसमें नहीं बेलेगा। चल मेरा पापड़ का कार्यक्रम हो गया है खत्म। अभी पराठा बनाना बाकी है दोपहर का, पौने 11 बज गए हैं, फिर भी आने का टाइम भी हो जाएगा। अभी मैं सब कुछ वाइंड अप करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, बाद में मिलते हैं।